स्वागत है। अभी जो आपकी यूनिट चल रही है वो सेकेंड है, और इससे पहले हमने पढ़ा था जो आपका विभिन्न संसाधन, जो समाचार पत्र का संसाधन के रूप में उपयोग, समाचार पत्र का तो आपने पढ़ा था कि उससे जो सामाजिक गुण है वो विकसित होते हैं, चरित्र का विकास होता है, जो नैतिक गुण है वो भी विकसित होते हैं, स्वाध्याय का विकास करता है, भाषाई ज्ञान को बढ़ाता है, गणित के ज्ञान उससे मिलता है हमें। और इन सबको मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाया था, जैसे गणित के ज्ञान में उसमें आपके सुडोकू या वर्ग बनेंगे, इस प्रकार के जो अभ्यास उसके अंदर दिए जाते हैं, इसलिए फिर विद्यार्थी गणित के ज्ञान को भी सीख लेता है, वो पढ़ता है, स्वाध्याय की बात सीखता, पर्यावरण संबंधित ज्ञान उसको मिलता, संस्कृति से संबंधित लेख पढ़ने को मिलते हैं, और निरंतर पढ़ने की उसकी स्वयं पढ़ने की आदत भी उसकी बनती है न्यूज़पेपर से, और जो उसका भाषा ज्ञान वो भी विकसित होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे नैतिक गुण है, जैसे किसी ने कोई अच्छा कार्य किया, सराहना वाले कार्य हो, उसकी बातें अखबार में छपनी है, तो उससे देखिए हमारे अंदर की ऐसी इच्छा होती है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा नाम भी सुनाए, तो ऐसे गुण हमारे अंदर न्यूज़पेपर की कुछ ऐसी घटनाओं को देख कर पढ़ कर हमारे अंदर ऐसी भावनाएं विकसित होती है, तो न्यूज़पेपर एक संसाधन के रूप में बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। ये हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक है विश्व ज्ञान कोश एवं शब्दकोश। विश्व ज्ञान कोश एवं शब्दकोश, जो विश्व ज्ञान कोश है, विश्व ज्ञान कोश जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है विश्व, दूसरा है ज्ञान, और तीसरा है आपका कोश। विश्व ज्ञान और कोश, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो क्या हुआ, वैश्विक ज्ञान का भंडार। विश्व ज्ञान और कोश इसका हो गया वैश्विक, वैश्विक ज्ञान का, वैश्विक ज्ञान का भंडार, यानी कि जिसके अंदर समग्र विश्व की जानकारी समाहित हो, वो हमारा हो गया विश्व ज्ञान कोश। कोश यानी कि इकट्ठा करना, एक कोश होता है जैसे बैंक है, उसके अंदर आपने अपनी सेविंग्स को जमा करके रखा, वो कोश हो गया आपका, तो भंडार कोश यानी आपका भंडार, यानी कि वैश्विक ज्ञान का भंडार, यानी एक ही चीज के अंदर संपूर्ण विश्व की जानकारी का समाहित होना विश्व ज्ञान कोश शब्दकोश कहलाता है। अब जो है आप थोड़ा सा इसके अंदर आपको बताना चाहूंगी, विगत अनेक वर्षों से विश्व ज्ञान के रूप में विभिन्न पुस्तकें देखने को मिलती है, जैसे आपको जो पुस्तकें आप देखते हैं तो उसमें वैश्विक ज्ञान भंडार के नाम से हो सकती है, विश्व ज्ञान कोश के नाम से हो सकती है, वैश्विक ज्ञान हो सकता है, मतलब किसी भी नाम से हो सकती है, तो हम बहुत सारी पुस्तकें देखते हैं। ये पुस्तकें संपूर्ण विश्व के ज्ञान को अपने अंदर सामने किए हुए होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, विश्व के प्रत्येक क्षेत्र की इसके अंदर जानकारी होती है, तो पूरे संपूर्ण विश्व की जानकारी एक बुक के अंदर हमें मिल जाती है। विश्व के किसी भी भाग से, किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी का समावेश इन्हीं पुस्तकों से मिलता है, यानी किसी भी क्षेत्र में वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ कृषि कैसी होती है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, या किसी जो क्षेत्र है उसकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो सब हमें इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से जानकारी मिलती है। वर्तमान आधुनिक समय में विश्व ज्ञान का स्वरूप भी तकनीकी से प्रभावित है, यानी जो तकनीकी है, हम पुस्तकें ना देखकर हम तकनीकी के माध्यम से उसको नेट पर भी सर्च कर लेते तो हमें वहाँ पर भी जानकारी मिल जाती है। अब विश्व ज्ञान कोश की पुस्तकों को कंप्यूटर के मॉनिटर पर भी देखा जा सकता है, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हम गूगल पे सर्चिंग करके किसी भी क्षेत्र की हमें कोई जानकारी लेनी है, विश्व ज्ञान कोश देखेंगे, या विश्व ज्ञान या नो अबाउट द वर्ल्ड, तो हमें सारी चीज़ें वहाँ पर पुस्तकें उस कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें मिल जाती है। विकिपीडिया एक आधुनिक विश्व ज्ञान कोश है जो कंप्यूटर पर उपलब्ध है। विकिपीडिया के बारे में आपने सभी ने सुना है, जब हम खुद भी सर्च करते हैं तो वहाँ विकिपीडिया आता था, यानी कि उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी विकिपीडिया के अंदर समाहित होती है। इसमें सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन अब इसमें हिंदी भाषा भी प्रयोग की जाती है। जब आपने देखा होगा कि विकिपीडिया कोई आ रहा है तो पूरा इंग्लिश में होता था, पर अब क्या है कि आप उसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं, अभी तकनीकी कारण ही संभव हो पाया कि उसका हिंदी रूपांतरण भी वहाँ पर देख पा रहे हैं।
अब जो है कि इसमें इस प्रकार विश्वविद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अब हमें ये नहीं कि हमें किताबें ढूंढने के दूर जाना है, हम वो कंप्यूटर पे या हमारे मोबाइल के माध्यम से भी, यानी तकनीकी की सहायता, तकनीकी इतनी डेवलप हो गई कि हम अपने मोबाइल पर भी किसी भी देश की जानकारी हम उसको उपलब्ध कर सकते हैं। शिक्षक किसी भी वैश्विक विषय का ज्ञान इसके माध्यम से सरलता अपने छात्रों को प्रदान कर सकता है। छात्र स्वयं इसकी सहायता से नवीन ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, नवीन ज्ञान मिल सकता है तकनीकी के माध्यम से। इसी प्रकार शब्दकोश के माध्यम से विभिन्न शब्दों के बारे में व्यापक जानकारी, जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोश का अर्थ नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे कोश क्या होता है, तो उसका वहाँ पर हमें मीनिंग मिल जाएगा, हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है। कुछ चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती है, तो हम विश्व शब्दकोश में जाकर वहाँ पर जाकर इसको ढूंढते हैं। तो ये तो सब आपने यूज़ किए ही होगा, जब हमको कुछ चीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिलती, तो हम सबसे पहले हम सर्च करते हैं, वहाँ पर हमें सारी जानकारी मिल जाती है। तो जो आज जो आपने पढ़ा था वो था आपका विश्व ज्ञान कोश एवं शब्दकोश। तो जो विश्व ज्ञान कोश है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, विश्व ज्ञान और कोश। विश्व ज्ञान कोश तो यानी इस तरह से उसका शाब्दिक अर्थ हो गया, वो है वैश्विक ज्ञान का भंडार, ऐसी पुस्तक जिसमें विश्व की संपूर्ण जानकारी का समावेश हो। और इससे क्या होता है कि विद्यार्थी भी आजकल इसमें तकनीकी ने भी इसमें विश्व ज्ञान कोश को प्रभावित किया है। पहले हमें पुस्तकें देखनी पड़ती थी, अब कंप्यूटर पे मॉनिटर पर ये जो विश्व ज्ञान कोश और शब्दकोश है ये हमें मिल जाता है। तो हम जब भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर गूगल के माध्यम से सर्च करके उस जानकारी को इजीली हासिल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि शिक्षक को भी विश्व की जो वैश्विक स्तर का ज्ञान है वो मिलता रहता है और वो अपने विद्यार्थी को देता रहता है। इसके साथ साथ विद्यार्थी खुद भी इसको ढूंढ कर नए ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, यानी न्यू नॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो आज जो मैं आपको सिर्फ विश्व शब्दकोश और शब्दकोश एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें इतना ज़्यादा है नहीं, यदि आपको इसको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना। ये तीन शब्दों से मेरा बहुत इसलिए विश्व ज्ञान और कोश यानी कि वैश्विक ज्ञान का भंडार, ऐसी पुस्तक जिसमें विश्व की संपूर्ण जो जानकारी होती है वो समाई होती है वो होता है विश्व ज्ञान कोश। और तकनीकी ने भी इसको बहुत ज़्यादा देखकर प्रभावित किया। आपने देखा एक बार विकिपीडिया के माध्यम से, जिससे मिलता पहले विकिपीडिया का अंग्रेजी में था, अब ये हिंदी में भी मिलने लग गए हैं। और उसके अलावा जो है शब्दकोश है जिसमें आपको नए नए शब्दों की जानकारी भी मिल जाती है। देखिए आप इसको समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।